नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, स्वागत है आपका रुद्रा ट्रेड यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातों से अवगत कराना। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको सेलिंग सीखनी है तो सेलिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आपको अगर सेलिंग करनी है और पैसा कम है तो कैसे सेलिंग कर सकते हैं, पैसा हम कैसे बचा सकते हैं या कम पैसे में सेलिंग कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड है 17,650 की कॉल, मैंने उस पर क्लिक किया, ऐड टू सेल किया, मुझे यहाँ पे कितना लग रहा है 1,865 रुपये। 17,550 की पुट को सेल किया, मुझे लग रहा है 1,00,000 रुपये, मुझे लगभग 2,00,000 रुपये में सेलिंग हो रही है। लेकिन मेरे पास अमाउंट कितना है, मेरे पास अमाउंट है ओनली 44,101 रुपीस। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे कम से कम पैसों में। पहले हम यहाँ पे टूल्स में क्लिक करेंगे, टूल्स में जाएंगे या न्यू बास्केट पे क्लिक करेंगे। न्यू बास्केट पे क्लिक करने के बाद हम बास्केट का नाम देंगे, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद हमें जिस स्क्रिप्ट को सेल करना है हम वो एंटर करेंगे। हमें सेल करना 17,650 को, 17,650 की पुट, 17,650 की कॉल। 1 सितंबर की ऐड की हमने, ऐड टू सेल किया, ऐड टू सेल किया तो ओवरनाइट और मार्केट ये सिलेक्ट है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। डरना नहीं, यहाँ पैसा नहीं कटेगा, ये सिर्फ अभी ऐड हो रहा है। ये उसी प्रकार की ट्रॉली या बास्केट है जिस प्रकार आप सुपरमार्केट में जाते हैं और अपने बास्केट में सब चीज़ रख लेते हैं, भले खरीदना कुछ ना हो, जितना खरीदना हो उसी का बिल बनवाते हैं। तो हम सिर्फ उसको बास्केट में रख रहे हैं। 17,650 की कॉल हमने ऐड किया, अब हम ऐड करेंगे 17,550 की पुट, 17,550 की पुट ये हमने ऐड किया 1 सितंबर की, ऐड टू सेल किया, ओवरनाइट टू मार्केट स्वैप कर दिया। अभी हमें टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 1,19,000। पहले हमको अगर सेपरेट सेपरेट सेल कर रहे थे तो हमें पूरा लग रहा था 1,01,000 में और 1,01,000 में, 2,00,000 रुपये लग रहा था। तो हमने देखा कि जब हम सेपरेट सेपरेट सेल कर रहे थे तो हमें 1,01,000 रुपये एक एक में लग रहा था। अभी हमने बास्केट बनाया है तो टोटल हमें रिक्वायर्ड मार्जिन है 1,19,000 और फाइनल मार्जिन है 1,08,000। तो बास्केट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें पैसा कम लगता है। पहले आपको 1,00,000 तो लगभग मैंने यही कम करवा दिया। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये भी ना हो तो हम क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो कॉल हमने सेल की है उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हम 17,800 की कॉल बाय कर लेंगे। ऐड टू बाय, ऐड टू बाय पे क्लिक किया और यहाँ पे अभी देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन 1,21,000 और फाइनल मार्जिन 1,10,000। ठीक है, और देखते हैं। अभी हमने कॉल को सपोर्ट किया, अब हम पुट को सपोर्ट करेंगे। पुट को सपोर्ट करने के लिए हमें 17,300 की पुट बाय करना पड़ेगा, 17,300 की पुट बाय किए, ऐड टू बाय में क्लिक किया, स्वैप किया। अभी देखिए हमको यहाँ डायरेक्ट रिक्वायर्ड मार्जिन तो दिखा रहा है 1,23,676 रुपये और फाइनल मार्जिन दिखा रहा है 41,000। डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पे 1,50,000 रुपये कम करवा दिए, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है, अभी रिक्वायर्ड मार्जिन 1,23,000, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में 1,23,000 होना चाहिए तभी आप इसको स्वैप कर पाओगे या इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। भले ही आपके डीमैट अकाउंट से कटेगा, ओनली फाइनल मार्जिन जो है 41,572 रुपये। अब इसको कैसे कम करें, इसके लिए हम किसी पे क्लिक करें और जितने भी सेल वाले ऑर्डर हैं उनको नीचे ला दें, ओनली ऊपर क्या रहेगा बाय वाले ऑर्डर रहेंगे और नीचे सेल वाले, और सेव करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने 50,000 और कम करवा दिया,
रिक्वायर्ड मार्जिन हो गया 52,000 रुपये और फाइनल मार्जिन हो गया 41,000 रुपये। मतलब अब कम से कम आपके अकाउंट में 52,000 रुपये तो होना ही चाहिए, इससे कम में कहानी नहीं बनेगी, इससे कम में कहानी नहीं बनेगी। बस आपके डीमैट अकाउंट से जो कटेगा वो है 41,582 रुपये। तो आपने देखा कैसे हमने 2,00,000 के सेलिंग को सिर्फ 41,000 में किया। अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको सिर्फ एग्जीक्यूट को स्वैप करना पड़ेगा, ये चारों ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आई होप मैंने आपको सेलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी टीम आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड पूरी मदद करेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।